हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो भारत देश में लगातार जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पीपल के जो नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी कि आप अपने आप की देखभाल करें और इस वायरस से, और साथ ही साथ आप ये देखें कि हम कैसे कैसे इस वायरस के अगेंस्ट जो है अपने आप को बचा सकते हैं, या कौन कौन से हमें प्रिवेंशन लेने चाहिए जिससे हम इस वायरस से हम अपने आप को बचा सके। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे इन्हीं कुछ मेजर्स के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए जिससे आप क्या करेंगे, अपने आप को या अपनी फैमिली को इस वायरस के स्प्रेड से बचा सकते हैं या इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये COVID-2 या COVID-19 जो जो ये सार्स कोविड-2 जो वायरस है ये कैसे इन्फेक्ट करता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि कैसे ये स्प्रेड करता है। तो दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को इस वायरस से, इस कोरोना वायरस से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अवॉइड लार्ज गैदरिंग एंड क्राउड एज मच एज पॉसिबल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जितने भी लोग हैं उन सबको अकेले रहने की ज़रूरत है, मतलब कि सबसे बेस्ट क्या है कि वो अकेले रहें, आइसोलेटेड है, जिससे क्या होगा कि ये जो वायरस का इन्फेक्शन के चांसेस वो बहुत कम होगा। तो आप कभी भीड़ में ना जाएं या लार्ज गैदरिंग ना करें, या जैसे ही कभी ग्रुप बना के ना बैठे। और साथ ही साथ क्या हुआ, अगर आप फैमिली में भी हैं तो फैमिली में भी थोड़ा दूर दूर रहें ताकि थोड़ा अपने आप को आप अवॉइड कर सकें गैदरिंग से। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि कीप एटलीस्ट 1 to 2 meters ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो इसमें क्या बोला गया कि आप अभी तक क्या करें, जैसे कि मोदी जी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 21 डे का लॉकडाउन है, तो आप क्या करिए, अपने घर में रहिए। लेकिन घर में रहिए, लेकिन आप अपने घर में भी अपने अदर्स फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या रहिए, थोड़ा दूरी बनाए रहें, 1-2 मीटर की दूरी बनाए रहें, और थोड़ा आइसोलेटेड फॉर्म में रहें ताकि ऐसा कोई इन्फेक्शन होने का कोई चांस भी नहीं रहे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वल्नरेबल पीपल शुड बी कंसिडर्ड मूविंग विद रिलेटिव्स इन रूरल एरियाज एंड स्पेंड देयर टाइम इन वॉलंटरी आइसोलेशन सच एज अ स्मॉल हट। दे शुड रिसीव फूड सप्लाईज वाया नेबर और रिलेटिव बट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों, अभी क्या है कि जैसे कि सपोज ये जो मोस्टली जितनी भी डिजीज होती है वो मोस्टली जो है वो सिटीज़ में ही लाइक स्प्रेड होती है मैक्सिमम। ये अगर आप कोई रूरल एरियाज में जाते हैं या कभी आप सपोज कोई विलेज विलेज में देखें तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब डिजीज़ जो है इतना स्प्रेड नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर सके कि आप अपने, अगर आपका कोई गाँव वाँव है तो आप क्या करिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो इन्फेक्शन का चांसेस है वो बहुत कम है। क्योंकि मैक्सिमम क्या है, जैसे कि वायरस जो है चाइना से इवॉल्व हुआ है, तो क्या हो रहा है, जो भी लोग आते हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो वर्कर हैं, वो मोस्टली इधर उधर लाइक अब्रॉड में अपने काम की वजह से जाते हैं, चाहे वो चाइना, अमेरिका, यूके, तो क्या होता है वो मोस्टली सिटीज़ में ही आके रहते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई रूरल एरिया या कोई विलेज में अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आप इस वायरस से बहुत ईजली बच सकते हैं, क्योंकि ये जो मोस्टली वायरस है वो मोस्टली जितनी भी सिटीज़ है मोस्टली उसमें ही इन्फेक्ट करता है, मतलब कि जो भी लोग आते हैं अब्रॉड से वो मोस्टली वो सिटीज़ में ही प्रेफर करते रहना। तो अभी सबसे सेफ तो रूरल एरियाज या हम लोग कह सकते हैं कि विलेज है। हमारा अगला पॉइंट है ट्रैवल शुड बी रिड्यूस टू अ मिनिमम, यानी कि अगर जैसे कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो कोई भी ट्रैवल नहीं हो सकता, लेकिन तब भी अभी अगर आप सपोज सब्जी मार्केट में जाते हैं या सपोज कोई ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर भी जाइए तो आप बिल्कुल मास्क वास्क पहन के जाइए, और जो भी आपको लगे कोई इन्फेक्टेड पीपुल है तो उससे आप 1-2 मीटर की डिस्टेंस ही मेंटेन करिए। और साथ ही साथ आप क्या करिए कि आप एक सैनिटाइजर का बोतल ले लीजिए, अगर आप सैनिटाइजर बोतल नहीं तो अगर आपके वहाँ इथेनॉल लाइक अवेलेबल है तो आप उसका 70% इथेनॉल यानी कि 70:30 के रेशियो में लाइक 1:3 के रेशियो में आप उसे बना सकते हैं, तो उसे भी आप एज अ सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। तो उससे मिनिमम 70% इथेनॉल आप रखिए एक छोटी से बोतल में, जब भी आप बाहर जाए तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, तो ग्लव्स को लेके जाइए, पूरे जो अपने हाथ है उसे ग्लव्स से कवर कर लीजिए, और साथ ही साथ जो सैनिटाइजर है या 70% इथेनॉल का छोटा बोतल लेके जाइए, जब भी आप किसी के कांटेक्ट में सपोज आप कोई किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उसे आप पहले क्या करिए कि अपने, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं तो पहले आप अपने सैनिटाइजर से अपना हाथ अच्छे से वॉश कर लीजिए, अच्छे से रब कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करिए कि उसके बाद किसी चीज़ को टच करिए, या आपने सपोज किसी चीज़ को टच किया, या आपने सपोज कभी अपना जो ग्रॉसरी शॉप में सामान लेने के बाद क्या होता है, आप कार्ड वगैरह स्वाइप करते हैं, उसके बाद कार्ड जो है वो आपके कॉन्टेक्ट से आने के बाद जो दूसरा पर्सन है जो आपको सामान दे रहा होता है या जो कार्ड पेमेंट ले रहा होता है उससे टच होता है, तो आप क्या करिए एक बार टच होने के बाद तो आप इमिडिएटली क्या करिए कि जैसे आपका शॉपिंग पूरा कंप्लीट है उसके बाद अपने
मतलब कि सैनिटाइज़र से पूरा हाथ अच्छे से वॉश कर लीजिए और अच्छे से रब कर लीजिए सैनिटाइज़र, ताकि ये जो इन्फेक्शन का जो चांस है बहुत कम रहे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ अ मास्क इफ़ ट्रैवलिंग बाई बस, ट्रेन और प्लेन इफ़ मास्क आर नॉट अवेलेबल और एफोर्डेबल, कवर योर नोज़ एंड माउथ विद अ क्लॉथ और सिमिलर। तो दोस्तों क्या हो, जैसे कि अभी भी क्या हो रहा है कि कहीं कहीं जगह पे क्या हो रहा है, जो मास्क जो है अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सबको मास्क की सप्लाई जो है वो थोड़ी कम हो गई। तो दोस्तों अगर आपके पास मास्क वास्क अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करिए, अपने जो माउथ और नोज़ को है कोई सिमिलर लाइक कोई कपड़े से या रुमाल से या आप कोई अगर दुपट्टे वपट्टे से अगर हो सके तो आप उससे कवर कर लीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा चांस रहेगा इन्फेक्शन वो कम रहेगा। क्योंकि मेरे लिए मास्क जो है ये क्या करता है, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो सपोज अगर आप छींक रहे या आपको जुकाम उखाम है, तो वो क्या करता है कि जो ड्रॉपलेट्स है उन्हें बाहर नहीं आने देता है। तो नॉर्मली जो भी इन्फेक्टेड पर्सन, उन्हें तो ज़रूरी ज़रूर लाइक मास्क पहनना चाहिए, और जो हेल्दी पर्सन उन्हें नॉर्मली मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी अगर वो कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो उन्हें मास्क पहन के ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि कौन सा पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो क्या वो इन्फेक्टेड लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रही है, मतलब क्या हो रहा है वो एज अ कैरियर लाइक एज अ कैरियर वो हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर भी वायरस होता है लेकिन वो कोई सिम्टम्स हो नहीं कर रहा। तो लेकिन जब भी अगर वो स्नीज या कफ करेंगे तो क्या होगा, उनका जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर आएगा, यानी कि उसमें वायरस है लेकिन वो इन्फेक्टेड है लेकिन उनके अंदर कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं आए। तो क्या कहते हैं, वो एज अ कैरियर रहते हैं, वो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं, यानी कैरियर का मतलब उनके अंदर वायरस है लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम्स अभी नहीं आया है। लेकिन अगर वो कहीं जा रहे हैं, अगर वो स्नीजिंग कर रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं या किसी सरफेस को टच कर रहे हैं, तो क्या है उनके टेंडेंसी कि वो क्या करते हैं, वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप मास्क लगा के ही बाहर निकले अगर कोई बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या आपको प्रिवेंशन लेने चाहिए इस वायरस से बचने के लिए। तो इसमें आपको कुछ रूल फॉलो करे में जो नॉर्मली जो 6 रूल हैं, तो हम बात करेंगे एक एक रूल की। तो सबसे पहला रूल क्या है, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, हग्स, किसेज एंड कीप 1 to 2 meters डिस्टेंस फ्रॉम पीपल हु आर सिक। तो जैसा कि मैंने बोला कि जितना हो सके आप उतनी दूरी मेंटेन करके रखिए कि मिनिमम 1 to 2 meters की डिस्टेंस फ्रॉम पीपल और फ्रॉम सिक, या उन लोगों से जो आपको लग रहा है कि वो बीमार हैं, तो उनसे आप क्या करिए कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। जो हमारा दूसरा रूल है वो क्या है, अवॉइड गैदरिंग्स एंड क्राउड्स, कम्युनिटी मीटिंग, ट्रैवलिंग इन ओवर क्राउडेड बसेस और ट्रेन्स। तो जैसा कि मोदी जी भी बोल ही रहे हैं कि जितना कम हो सके उतना ग्रुप में रहिए, पूरा कम्युनिटी मीटिंग ना करिए, गैदरिंग मत करिए, जिससे क्या होगा कि अगर आप आइसोलेटेड हैं या अकेले रह रहे हैं तो इसमें क्या है, प्रिवेंशन ज़्यादा है, मतलब कि आप क्या करते हैं कर सकते हैं कि आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रुप में खड़े हुए हैं तो उसमें आपको नहीं पता है कौन सा पर्सन एज अ कैरियर है और क्या कौन इन्फेक्टेड है, तो इससे आपको इन्फेक्शन के चांसेज वो बढ़ जाते हैं। जो रूल 3 क्या है, अवॉइड टचिंग योर आइज़, नोज और माउथ, यानी कि क्या करिए, होता है कि अगर आप सपोज आपने किसी सरफेस को टच किया है जिसमें आपको डाउट है कि इसमें मे बी ये जो वायरस है वो हो सकता है, तो अपने जो आँख है, नाक है और मुंह को टच करने से पहले आप क्या करिए, सैनिटाइजर से जो क्या बोलते हैं अपने हाथ को वॉश कर लीजिए, और नहीं तो सोप और वाटर को मिनिमम 20 सेकेंड तक आप उससे अपने हाथ को वॉश करिए, उसके बाद ही आप कभी अपने नाक या कान में हाथ लगाइए। वहीं के बाद चौथा रूल क्या है कि वॉश योर हैंड्स एंड यूज सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, स्पेशली आफ्टर गोइंग टू बाथरूम, ब्लोइंग योर नोज, कफिंग और स्नीजिंग एंड बिफोर ईटिंग। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया कि आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना बार आप सोप और वाटर से अपने हाथों को 20 सेकेंड तक मिनिमम वॉश करें। अगर आपके पास सोप और वाटर नहीं है तो क्या करिए, आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा आपको ये प्रिवेंट हो सकता है। हमारा पांचवा रूल क्या है, प्रोटेक्ट अदर्स बाई स्टेइंग होम वेन सिक कवरिंग योर कफ एंड स्नीजिंग विद अ टिश्यू एल्बो। तो क्या करिए, अगर आप घर पे हैं और आपको लग रहा है कि आपको खांसी जुकाम है, तो क्या करिए आप टिश्यू पेपर लेके, आपको स्नीज आ रहा है तो आप स्नीजिंग टिश्यू पेपर में रखिए, उसमें करने के बाद आप क्या करिए उसी टिश्यू पेपर को एक डस्टबिन में डाल दीजिए, यानी कि आप कहीं भी फेंक दें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। और अगर आपको सपोज टिश्यू पेपर नहीं है तो अगर आपको स्नीज करना है, कफ करना है, तो आप अपनी एल्बो के बेंट एल्बो के थ्रू जो कहे उससे करिए, मतलब कि जो भी आप छींकिए तो बेंट एल्बो में, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पाम वाम पे या हैंड पे अगर आप मतलब कि कफ या स्नीज करेंगे तो क्या होता है उससे स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप एल्बो में स्नीज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप जो ये वायरस है वो स्प्रेड होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि नॉर्मली अपने हाथ से ही अपने आँख मुंह नाक छूते हैं इसीलिए।
तो हमारा पांच लाइक नेक्स्ट रूल क्या है, रूल 6, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर लोकल हेल्थ अथॉरिटी अबाउट द कोरोना वायरस एपिडेमिक इन योर एरिया। तो दोस्तों ये क्या किया, अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो रहा है कि आपका जो फीवर है या जुकाम है या खांसी या सोट थोट है या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करिए आप जितना लाइक 3-4 दिन आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि नॉर्मल, ये नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, लेकिन अगर 4-5 दिन के बाद वो ठीक नहीं हो रहा तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना लोकल हेल्थ अथॉरिटी के पास जाए या कोई भी जो भी हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अपना चेकअप कराएं और अपना चेकअप कराएं, इससे आपको पता चले कि आपका नॉर्मल फ्लू या कहीं आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो दोस्तों ये सारे जो रूल्स थे जो अगर आपको फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोरोना वायरस नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये जो वीडियो तो मैंने बनाया था ये मेनली प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कि मतलब कि आप अपने आप को कैसे इस वायरस से दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।